गाइज वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मेरे सास ससुर की मैरिज एनिवर्सरी है जिसके लिए कि मैं यहाँ पे आई थी, तो मैं उनको एक छोटा सा सरप्राइज और उसके साथ एक प्रैंक करने वाली हूँ। तो ये वीडियो देख के आपको तो बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी हम चलते हैं सौम्या के घर केक लेने के लिए। हे रहा नहीं जाता, फटाक से चलते हैं, मैं रेडी हो जाती हूँ और इसका एक शॉट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना और शॉर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी, तो आप देख लेना। क्या कर रही? कपड़े रख रही बेटा। चलो। ये बोल रही थी कि आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। क्या? एक है सरप्राइज, तो आप जाके रेडी हो जाइए। क्यों बेटा? ऐसे बताऊंगी ना मैं। वाओ। पापा आप भी रेडी हो जाइए। अरे वाह। बैठ जाइए, मैं कुछ एक सरप्राइज लेकर आ रही। ठीक है, तो मम्मी पापा के साथ थोड़ी सी मम्मी पापा के साथ थोड़ी सी मस्ती करूँगी। बस इसको ले जाके रख दूँगी, ये हैमर, क्योंकि पिनाटा केक बना हुआ है ना, तो पिनाटा केक है तो इससे फोड़ना पड़ेगा। फोड़ो, देख, आइस क्लोज करिए, अपनी आंखें बंद करिए दोनों। ये है, अब खोलिए। यही तो सरप्राइज है। मारूंगी क्या? क्या है? इसे मारूंगी क्या? अभी सरप्राइज, ये कोई सरप्राइज देता है? बता दूं, वो केक जो है ना वो फोड़ने वाला है, वो काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको इससे फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे देखना है कि जो पिनाटा केक है वो कौन सा है, प्रैंक केक। तो अभी निकालती हूँ कैसे, फिर मैं आपसे मिल करिए। ये केक है आपके लिए। केक तो बहुत प्यारा है बेटा। केक को, इस केक को फोड़ना है दोनों को। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अरे ये कैसे है, ये कैसे है बेटा? फोड़िए, वो फूटेगा। केक होता है कभी? हाँ, वो फोड़ने वाला केक। मेरे पास ना मम्मी, मेरे पास ना पैसे कम थे, तो मैं बोली कि बस एक काम करो, कटोरे में क्रीम बस लगा दो। तो वो क्रीम बस लगा दी, तो आप बस स्पून से खा लीजिए। पहला सरप्राइज ओपन करिए, मेन सरप्राइज ये है। वाह, थैंक यू बेटा। बोली को कैसा लग रहा है? वेरी गुड। तो मम्मी के लिए मैं ये ली हूँ, ये है गोल्ड का। तो पापा आप पहनाइए मम्मी को। होता है। कैसा लगा सरप्राइज? गोल्ड तो बहुत अच्छा है। चलो मंगलम भगवान विष्णु। केक तो नहीं ला पाई मम्मी, उसके लिए पैसे नहीं बचे थे। बात नहीं बेटा, यही केक दे दी बहुत है। मैं एक सरप्राइज और है आपके लिए। अब लाओ, अब तो अब आ रही है रियल केक लेकर जाने की। तो अब मैं लेके जा रही हूँ, ये रियल केक है। और फाइनली उन लोगों को सरप्राइज़ बहुत पसंद आया और उनकी खुशी दिख रही थी उनके फेस पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और अब रियल केक कट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं फोल्डना, इसको नहीं फोल्डना, इसको काटना है। राघव गाओ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू। हैप्पी
हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू मम्मी पापा। आप कुछ बोलना चाहती हैं मेरे सब्सक्राइबर्स को, हमारी मतलब यूट्यूब फैमिली को? हाँ बेटू, भगवान करे तुम जैसी बहू सबसे मिले, बहू नहीं तुम बेटी हो, और हाँ ईश्वर करे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। हमारी इच्छा थी कि कभी कोई हमारी मैरिज एनिवर्सरी मनाए, और तुमने हमारे सारे सपने पूरे कर दिए बेटा। हम अपनी बहू के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए सबको बोलते हैं कि करिए, ऐसी बेटी और बहू भगवान करे सबको मिले बेटा। थैंक यू मम्मी, और मैं भी बोलूंगी कि आपके जैसे मम्मी पापा सबको। बाय।